क्वेश्चन नंबर टू का सिक्स पार्ट है। इसमें सबसे पहले हम एब्सोल्यूट को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसको इक्वल के इस साइड पर ही रखते हैं और जो टर्म इसके साथ ऐड हो रही है 21, उसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो 21 उस तरफ जाके -21 हो जाता है। तो 1/2 एब्सोल्यूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 -21, माइनस का 12 बनता है। अब क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है यहां पर, उस तरफ जाके इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक्स प्लस 3 एब्सोल्यूट की वैल्यू -24। दोस्तों याद होगा आपको, जब हमने पिछले लेक्चर में एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि एब्सोल्यूट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या इसको हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर होगी। तो यहां पर हमारे पास देखें एब्सोल्यूट की वैल्यू नेगेटिव नंबर आ रही है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर लिखेंगे बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव सो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये फॉल्स है, एंड देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस केस। और हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन सेट में कोई भी वैल्यू नहीं निकली, तो सॉल्यूशन सेट एम्प्टी सेट लिखेंगे। एम्प्टी सेट को इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं या ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह जाहिर करना ये गलत होता है क्योंकि ये एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट आपने लिख दिया जो कि फाई है। तो इसको या इस तरह से आप रिप्रेजेंट करें या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये दोनों मेथड ठीक है।